महिमा महा अनोप द्वार खुला निसि दिन रहे धन धन मात धनोप धन धन मात धनोप कर संकट को दूर दे भक्ति वरदान तस दास को विद्या दो भरपूर करूं प्रार्थना मात भवानी अर्जी सुनु जरूर पार करो नैया कन्हैया माँ कलयुग बहुत करूर। बोल धनोप मैया की जय हो। तो ये मैया धनोप की कथा है आपके सामने प्रस्तुत। तेरी माया है निराली माँ धनोप से रामाली तेरी माया है निराली माँ धनोप से रामाली माँ धनोप से रामाली माँ धनोप से रामाली तेरी माया है निराली माँ धनोप से रामाली धनोप से रामाली माँ धनोप से रामाली तेरी माया है निराली माँ धनोप से रामाली एक समय की सुनो कहानी यह है कथा पुरानी एक समय की सुनो कहानी यह है कथा पुरानी कैसी ध्वज और कांडी देखी कि यहाँ राजधानी राजाया धार्मिक था ज्ञान का ज्ञाता और खांडी के राजा निपुण था कर्म योग का ज्ञाता खांडी के राजा निपुण था कर्म योग का ज्ञाता अपनी अपनी विद्या में थे अपनी अपनी विद्या में थे दोनों ही बलशाली तेरी माया है निराली माँ धनोप से रामाली तेरी लीला है निराली माँ धनोप से रामाली माँ धनोप से रामाली माँ धनोप से रामाली तेरी माया है निराली माँ धनोप से रामाली जगदम्बा मातेश्वरी की जय हो। कथा बहुत पुरानी है मगर थोड़ा सा इतिहास। एक केशवदत्त ध्वज और खांडिक के राजा की राजधानी तो केशवदत्त राजा आध्यात्मिक ज्ञान का ज्ञाता था और खांडिक के राजा था निपुण कर्म योग में। तो अपने अपने विद्या में दोनों ही बलशाली थे। तो हुआ क्या, अरे समय गुजर गया केसी ध्वज राजा की आई बारी समय गुजर गया केसी ध्वज राजा की आई बारी और हार गया खांडी के राजा छोटी नगरी सारी हार गया खांडी के राजा छोटी नगरी सारी हो निराश फिर चला कटक ले अपनी हिम्मत हारी चला खांडी के फौज सहित यहाँ लाकर फौज उतारी चला खांडी के फौज सहित यहाँ लाकर फौज उतारी घोर तपस्या करने लगा घोर तपस्या करने लगा अपने पलक लगा ली तेरी माया है निराली माँ धनोप से रामाली माया है निराली माँ धनोप से रामाली
तपस्या करने लगा, अपनी पलक लगा ली तेरी, आया हीराली माधनो पसेरा वाली तेरी। बोल धनौत मैया की। तो कुछ काल बीतने के बाद केशवदत्त राजा की बारी आई और युद्ध में खांडिक्य से विजय प्राप्त कर ली। तो बेचारा खांडिक्य हो निराश वहां से चला अपनी हिम्मत हार करके और यहां लाकर के फौज उतारी जहां आज माता जी का मंदिर है। घोर तपस्या करने लगा क्योंकि सुनसान व्यान वहां जंगल था, तपस्या स्थल था। तो राजा ने सोचा कि हाँ मैं तपस्या करूं और तब के बल से खांडिक्य को दिव्य दृष्टि पाई। तब के बल से खांडिक्य को दिव्य दृष्टि जब पाई और ब्रह्मा विष्णु और शारदा महिमा इस दिन गाई। नब से बाणी हुई अचानक देवी माँ दर्शाई, पड़ा चरण मैया के राजा खांडिक्य वहां जाई। पड़ा चरण मैया के राजा खांडिक्य वहां जाई। जय जयकार करी राजा माँ उसको शरण लगा ली। जय जयकार करी राजा तब उसको शरण लगा ली तेरी, माया के निराली माधनो पसेरा वाली तेरी, लीला के निराली माधनो पसेरा वाली। बोल जगदम्बा मातेश्वरी की। तो राजा खांडिक्य ने तपस्या की और तपस्या के प्रताप से माता के आशीर्वाद मिला और राजा को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। तो वहां देखो उस भयानक जंगल में ब्रह्मा विष्णु और कई तरह के महा महा देवी देवता तपस्या स्थल, वहां आकाशवाणी हुई अचानक देवी मां दर्शाई। तो राजा खांडिक्य मैया के चरणों में गिर पड़ा और जय जयकार करने लगा। मैया ने उसको शरण में लगा लिया। आगे समय गुजरते सुनो ध्यान से, नहीं लागती देरी, इसी भयानक वन में प्रभु से कई प्रार्थना टेरी। कई ऋषि मुनिगण तपस्या करने लगे, इसी भयानक वन में प्रभु से कई प्रार्थना करने लगे। अरे ऋषि मुनिगण करे तपस्या जय जगदम्बे तेरी, ऋषि मुनिगण ऋषि मुनिगण ऋषि मुनिगण करे तपस्या जय जगदम्बे तेरी। जगदम्बे तेरी और मगध वंश का राजा निर्मित्र, मगध वंश का राजा निर्मित्र ने आकर जगह में घेरी, मगध वंश का राजा निर्मित्र ने आकर जगह घेरी। लेकिन गर्मी से व्याकुल हो करके, गर्मी से व्याकुल होकर आगे की सूरत लगा ली तेरी, आया है निराली माधनो पसेरा वाली तेरी, लीला है निराली माधनो पसेरा वाली। माधनो पसेरा वाली
माधनो पसेरा माली तेरी माया की निराली माधनो पसेरा माली श्री राजा माधनो पसेरा वाली माधनो पसेरा वाली तेरी लीला है निराली माधनो पसेरा वाली बोल जगदम्बा मातेश्वरी की जय हो। तो समय गुजर जाने के बाद में कई ऋषि मुनिगण तपस्या करने लगे। एक मगध वंश का राजा निर्मित्र ने भी आकर के यहां जगह देखी और तपस्या करने लगा, लेकिन गर्मी से व्याकुल होकर के वो राजा भी यहां से निकल गया। और आगे सुन्नसान वीरान भयानक बना देव स्थान आम सभाएं जुड़ती थी इस जंगल के दरम्यान। बोल धनोपमैया की। कुछ काल बीतने के बाद में सुन्नसान वीरान भयानक जंगल में ये देव स्थान बना जहां देवी का मठ है। आम सभाएं जुटती थी इस जंगल के दरमियान। अरे बीत गया कुछ काल हाल आगे का सुनिए ध्यान बीत गया कुछ काल हाल आगे का सुन धर ध्यान। ओ बीत गया कुछ काल हाल आगे का सुनिए ध्यान और ग्वाल बाल नित गाय चराने आते इस दरम्यान ग्वाल बाल नित गाय चराने आते इस दरम्यान। एक ब्राह्मण एक गुजर एक ब्राह्मण एक गुजरू पर मैया निगाहे डाली तेरी के निराली माधनो पसेरा वाली तेरी माया के निराली माधनो पसेरा वाली। माधनो पसेरा वाली माधनो पसेरा वाली तेरी माया है निराली माधनो पसेरा वाली। बोल जगदम्बा मातेश्वरी की। कुछ काल बाद में बीत गया कुछ काल आल हागे का सुनिए धर ध्यान ग्वाल बाल नित गाय चराने आते इस दरम्यान। तो एक ब्राह्मण एक गुजर भी गाय चराने आया करता था, तो मैया ने उन पर भी कैसी कृपा की। अरे वहां देवी के दर्शन हो गए दिया शीघ्र वरदान वहां देवी के दर्शन हो गए दिया शीघ्र वरदान। वहां देवी वहां देवी के दर्शन हो गए दिया शीघ्र वरदान आशीर्वाद दिया तीनों को भक्ति आपका जान आशीर्वाद दिया तीनों को भक्ति आपका जान। करो यही विश्राम भक्त तुम कहना मेरा मान करो भक्त और तन मन से तुम गौ सेवा और करो मेरा गुणगान तन मन से तुम गौ सेवा और करो मेरा गुणगान। जो मांगेगा वही मिलेगा जो मांगोगे वही मिलेगा मैया यूं कह डाली तेरी लीला के निराली माधनो पसेरा वाली
माँ धनोपसेरा वाली, माँ धनोपसेरा वाली तेरी माया के निराली, माँ धनोपसेरा वाली। बोल धनोप मैया की। एक ब्राह्मण और एक गुजर भी गाय चराने आया करते थे, तो देवी माँ ने उन पे भक्ति से प्रसन्न होकर के वरदान दिया कि तन मन से तुम गौ सेवा करो और मेरा गुणगान करो, जो मांगेगे सो आपको मिलेगा। तो ये आवाज सुनी चक्कर में पड़ गए कि ये आवाज कहां से आई। हो गया संध्या काल, बाल शबिल आए अपने द्वार, भोजन करके सो गए प्रेम से जुड़ कर अपने किवार। शाम के वक्त अपने गाय बछड़े घर ला करके संध्या काल हुआ, भोजन करके आराम से अपने सो गए। लेकिन हुआ क्या, लेकिन होनहार होनी होती है नहीं कोई देटार। होनहार होनी होती है नहीं कोई देटार, हर चमत्कार मैया फैलाई किस विद माया डार। चमत्कार मैया फैलाई किस विद मैया डार। एक ब्राह्मण के जाकर मैया, एक ब्राह्मण के जाकर मैया स्वप्न यूं दे डाली तेरी लीला है निराली, मा धनोप सेरा वाली। माया है निराली, मा धनोप सेरा वाली तेरी लीला है निराली, मैया धनोप सेरा वाली। धनोपसेरा वाली, माँ धनोपसेरा वाली तेरी माया है निराली, माँ धनोपसेरा वाली तेरी लीला है निराली, माँ धनोपसेरा। बोल धनोप मैया की। तो मैं एक ब्राह्मण के स्वप्न में जाकर के मैया दर्शाई और स्वप्न में क्या कहने लगी मैया, कहीं स्वप्न में जाकर मैया मैं प्रकटूंगी प्रभात, इस जंगल में मंगल होगा नहीं होगा उत्पात। मैया स्वप्न में ब्राह्मण से कहने लगी कि मैं यहां प्रकट होंगी और इस जंगल में एक दिन मंगल होगा और किसी प्रकार का उत्पात नहीं होगा, मगर अरे गांव बसाना इस जंगल में, कहती हूँ ये मात। गांव बसाना इस जंगल में, कहती गई यूं मात। सपने में ही सपने में देखो बीत गई यूं रात, सपने ही सपने में देखो बीत गई यूं रात। खोली तो ब्राह्मण ने आके खोली तो ब्राह्मण ने तीखी सुरत निकाली, आके खोली तो ब्राह्मण ने नई तीखी सुरत निराली तेरी लीला है निराली, माँ धनोप सेरा वाली तेरी माया है निराली, माँ धनोप सेरा वाली तेरी माया है निराली, धनोप सेरा वाली। धनोपसेरा वाली, माँ धनोपसेरा वाली तेरी माया है निराली, धनोपसेरा वाली तेरी लीला है निराली। बोल धनोप मैया की। तो मैया ने स्वप्न में ही उस ब्राह्मण को दर्शन दिए। जब ब्राह्मण ने आंखें खोली तो वो सूरत निराली दिखी नहीं। ब्राह्मण चक्कर में पड़ गया कि ये स्वप्न है कि बबाल, घबराया और
ओ घबराया और फिर चकराया, ये हुई अनोखी बात। घबराया और फिर चकराया, हुई अनोखी बात। ना तो फिर लगा सोचने आखिर ब्राह्मण जात। ना दोकर फिर लगा सोचने आखिर ब्राह्मण जात। ना दोकर फिर लगा सोचने आखिर ब्राह्मण जात। कर प्रसादी गऊ चराने फिर पहुंचा जंगलात। कर प्रसादी गऊ चराने फिर पहुंचा जंगलात। और चमत्कार देवी मैया का हुई अनोखी बात। चमत्कार देवी मैया का हुई अनोखी बात। नब से बाणी हुई अचानक, नब से बाणी हुई अचानक। लीला जब निराली तेरी माया है निराली, माँ धनो पसेरा वाली। लीला है निराली धनो पसेरा वाली तेरी माया है निराली। बोल धनोप मैया की। तो जंगल में प्रभात होती ब्राह्मण अपनी गायों को लेकर के जंगल में आया और वहां मैया ने क्या चमत्कार दिखाया कि नब से वाणी आकाशवाणी हुई। तो ब्राह्मण उस वार्ता को सुनकर के चक्कर में पड़ गया कि कौन बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो ब्राह्मण ने ध्यान लगा करके सुना तो आकाशवाणी में क्या आवाज आ रही थी। वो गाय चरा रहे इतने में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, जिस जंगल में तू खड़ा है वहां से 30 पग आगे धरकर एक छड़ी रोप दे। तो ब्राह्मण सुनकर चक्कर में पड़ गया, लेकिन फिर स्वप्न का दृश्य सामने आया। तो ब्राह्मण ने 30 पग नाप कर छड़ी रोप दी तो फिर मैया प्रकट होती है। बोल जगदम्बा मातेश्वरी की जय। फाड़ पृथ्वी प्रकृति मैया देखा रूपनु, देखी अचंबा नरी नारी और सुन कर आए भूप। ब्राह्मण ने 30 पग आगे धर करके छड़ी रोकते ही मैया ने पृथ्वी में से अवतार लिया। पृथ्वी फाड़ करके तो ये अचंबा नर नारियों के कानों में पड़ा। तो भाग भाग करके कई देशों के राज दरबार आए, जगदम्बा की जय जयकार करने लगे। अरे जगदम्बा के दर्शन पाकर करने लागे धूप। जगदम्बा के दर्शन पाकर करने लागे धूप। जगदम्बा के दर्शन पाकर करने लागे धूप। जय जयकार प्रजागण करते कड़क पड़ रही धूप। जय जयकार प्रजागण करते कड़क पड़ रही धूप।
फूल पतासा और नारियल, फूल पतासा और नारियल भर 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 लावे थाली तेरी लीला के निराली माँ धनो पसेरा वाली तेरी माया के निराली धनो पसेरा वाली माँ धनो पसेरा वाली माँ धनो पसेरा वाली तेरी लीला के निराली धनो पसेरा वाली बोल जगदम्बा मातेश्वरी की जय हो। जगदम्बा के दर्शन पाकर के भक्त गण धूप अगरबत्ती करने लगे, जय जयकार की धुन लगा दी। कड़क धूप में भी यात्रियों ने आकर के माता के दर्शन किए, फूल पतासा नारियल भर भर लावे थाली और माता के भोग लगाने लगे। तो दिन दिन दिनों दिन माता का प्रचार बढ़ता गया और माता ने एक से एक अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाए। दिन दिन आने लगे यात्री माता के दरबार, दिन दिन आने लगे यात्री माता के दरबार, दूर दूर से दर्शन खातिर आते वहां नर नारद जी, दूर दूर से दर्शन खातिर आते वहां नर नारद। ओ दिन दिन आने लगे यात्री माता के दरबार, और दूर दूर से दर्शन खातिर आते वानर नार। करे याचना माँ धनो पसे बेड़ा करती पार, करे याचना माँ धनो पसे बेड़ा करती पार, कुछ ही दिनों में फैल गया वहां मैया का प्रचार, कुछ ही दिनों में फैल गया वहां मैया का प्रचार। सेवा करे दादी ची ब्राह्मण, सेवा करे दादी ची ब्राह्मण, दूधाने अपना ली तेरी माया है निराली धनो पसेरा वाली, तेरी लीला है निराली धनो पसेरा वाली। बोल धनोप मैया की। तो माता ने ऐसा चमत्कार दिखाया, कई यात्रीगण मां दर्शनार्थ आने लगे और जो भी कल्पना करते हैं वो माता उनकी पूरी करती है। और सेवा में दादीच ब्राह्मण एक थे, पहले बुजुर्ग पंडित जी दूदाजी महाराज ने सेवा का अवसर मिला। मां धनोप का चमत्कार कुछ वक्त से मुख से न वरना जाता, एक से बढ़कर एक दिनों दिन कहने में नहीं आता। माता का चमत्कार मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक समय राजा दुंद सेना सहित वहां आया, एक समय राजा दुंद सेना के संग वहां आता, शस्त्र विद्या में हीन मगर शास्त्र का था ज्ञाता। अरे माँ धनोप की शरण पड़ा तो, माँ धनोप की शरण पड़ा तो उसको वर दे डाली तेरी लीला के निराली, तेरी माया के निराली माँ धनोप से राली तेरी माया के निराली। अरे माँ धनोप की शरण पड़ा तो, माँ धनोप की शरण पड़ा तो उसको वर दे डाली तेरी माया के निराली माँ धनोप से राली, माया है निराली धनोप तेरा वाली तेरी। बोल धनोप मैया की। मां धनोप का वर्णन कोई कवि जन अपने मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। शरण पड़ा सी मां धनोप के चरणों शीश झुकाया,
नोप के चरणों शीश झुकाया। अरे करी कृपा श्री माँ जगदम्बा जगजननी महामाया, करी कृपा श्री माँ जगदम्बा जगजननी महामाया। ओ सिंह पीठ पर बैठ भवानी वर दे दिया मन चाया, सिंह पीठ पर बैठ भवानी वर दे दिया मन चाया। दिव्य दृष्टि राजा को दीनी फिर फैलाई माया, दिव्य दृष्टि राजा को दीनी फिर फैलाई माया। ओ दिया तीसरा नेत्र राजा को, दिया तीसरा नेत्र राजा को, डूबे नाव तिराली तेरी माया के निराली, तेरी लीला के निराली मा धनो पसेरा वाली, मा धनो पसेरा वाली, मा धनो पसेरा वाली तेरी लीला के, ओ तेरी माया के निराली मा धनो पसेरा वाली, माया है निराली। बोल जगदम्बा मातेश्वरी की। जब राजा दुंद माता के चरणों में शीश झुकाया तो माता ने उस पर कृपा की, सिंह पीठ पर सवार होकर के राजा दुंद को वरदान दिया। क्या कि यह बेचारा शस्त्र विद्या नहीं जानता, इसलिए राजा को दिव्य दृष्टि दी और राजा दुंद को भक्ति से प्रसन्न होकर माने उसे सोच समझ कर वरदान दिया। क्या वरदान दिया? मैया ने सोचा कि यह बेचारा शस्त्र विद्या नहीं जानता, इसलिए युद्ध में कोई भी इसे परास्त कर सकता है, तो मैया ने इस राजा को चोटी के नीचे एक आंख दे दी और राजा से कह दिया कि कोई भी तेरे से युद्ध करे, जब ये आंख खुलेगी और अग्नि निकलेगी, जो भी तुझसे युद्ध करेगा वह इस आंख की अग्नि से जल करके भस्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि उसकी आंख के तेज से कुमार का हाव भी पक जाया करता था। तो यह धनोप नगर उसी राजा दुंद का ही बसाया हुआ है और इसका नाम धनोप गांव रखा है। तथा यह भी कहते हैं कि यह मैया की मूर्ति धरती में से निकलने के कारण भी इसे धनोप मां कहते हैं। बोल जगदम्बा मातेश्वरी की। माँ धनोप है तेरा वाली जगदम्बा महामाया, जो सुमिरन करता मैया का मन इच्छा फल पाया। तो माँ धनोप शेरा वाली जगदम्बा का कोई भी सुमिरन करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। अरे धन दौलत और अन धन लक्ष्मी कंचन करती काया, धन दौलत और अन धन लक्ष्मी कंचन करती काया। ओ माँ धनोप है तेरा वाली जगदम्बा महामाया, माँ धनोप है तेरा वाली जगदम्बा महामाया, जो सुमिरन करता मैया का मन इच्छा फल पाया, जो सुमिरन करता मैया का मन इच्छा फल पाया। ओ धन दौलत और अन धन लक्ष्मी कंचन करती काया, धन दौलत और अन धन लक्ष्मी कंचन करती काया, पूर्व दिशा मैया का मंदिर सुंदर भवन बनाया, पूर्व दिशा मैया का मंदिर सुंदर भवन बनाया। ओ तीन टेम या होई आरती, तीन टेम या होई आरती, दुनिया दर्शन चाली तेरी लीला के निराली, तेरी माया के निराली मा धनोप तेरा वाली। बोल जगदम्बा मातेश्वरी की। तो माँ धनोप शेरा वाली जगदम्बा का प्रचार दिन दिन बढ़ने लगा। मैया का दरबार बना है पूर्व दिशा में देखता हुआ और वहां जगदम्बा की तीन टाइम आरती हुआ करती है। कई दुनिया के लोग वहां दर्शनार्थ आते हैं और मैया के क्या महिमा है। सवा सवा मन पुष्प चढ़ावे नित नया करे श्रृंगार, नौ नौ मीटर की ओढ़े चूनड़ी निरख तार से तार। मैया के हमेशा
ये कहने की बात नहीं है, देखने की बात है। शवामण पुष्प का हमेशा श्रृंगार होता है और 9 मीटर की चुंदड़ी उड़ाते हैं। घेर घुमेर का पहनावे घाघरा नथड़ी भलकादार, नाक में नथ कानों में बाली बिंदी लगी ललयार। मैया का अद्भुत श्रृंगार देख करके दर्शनार्थियों का मन मोहित हो जाता है। घेर घुमेर को पहनावे घाघरो नथड़ी भलकादार, घेर घुमेर को, घेर घुमेर को पहनावे घाघरो नथड़ी भलकादार, नाक में नथ कानों में बाली बिंदी लगी लीलार जी, नाक में नथ कानों में बाली। पग पायल और बाजू बंदी है, पग पायल और बाजू बंद है, फोटो लग रही लाली तेरी लीला है निराली, मनोप तेरा वाली तेरी माया है निराली, मनोप तेरा वाली तेरी लीला है निराली जी, मनोप तेरा बोल। जगदम्बा मातेश्वरी की। घेर घुमेर को पहने गागरो नथरी भलकादार, नाक मेहनत कानों में बाली बिंदी लगी लीला, पग पायल और बाजू बंदे होटा लग रही लाली। तो मैया का अद्भुत स्वरूप देख करके और यात्रियों का मन मोहित होता है। उसी प्रकार मैया के सामने अरे बावन भैरू चौसठ योग न्या गावे राग रसाल, बावन भैरू चौसठ योगिनिया गावे राग रसाल, और दानव दल का पल में मैया कर देती पैमाल, ओ दानव दल का पल में मैया कर देती पैमाल। ओ सिंह सवारी, ओ सिंह सवारी करके मैया पल में आती चाल, ओ सिंह सवारी करके मैया पल में आती चाल, और दुश्मन जन का मुंड तोड़ मा कर लेती मुंडमाल, ओ दुश्मन जन का मुंड तोड़ मा कर लेती मुंडमाल। जगदम्बा महामाया, जगदम्बा महामाया ऐसी शक्ति नाम धराली तेरी, माया है निराली तनोप तेरा वाली तेरी, लीला है निराली तनोप तेरा वाली। ओ जगदम्बा महामाया ऐसी शक्ति नाम धराली तेरी, माया है तेरा माली तेरी लीला है निराली जी, धनोप तेरा माली। बोल जगदम्बा मातेश्वरी की। बावन भैरों चौसठ योगिनिया गावे राग रसाल, दानव दल का पल में मैया कर देती पैमाल। तो देखो माता सिंह पे सवार होकर के दुश्मनों का किस प्रकार श्रृंगार करती है और दुश्मन का मुंड तोड़ करके अपने मुंड माला में धारण करती है। तो जगदम्बा महामाया ऐसी शक्ति नाम धराली तेरी, लीला है निराली मां धनोप सेरा वाली। मंदिर से दक्षिण की तरफ है शिव शंकर त्रिपुरारी, बना शिवालय सुंदर दर्शन पाते हैं नर नारी। मैया के दक्षिण की तरफ भगवान शिव शंकर त्रिपुरारी विराजमान हैं,
बना शिवालय, वहां सुंदर दर्शन पाते हैं नरनारी। मैया की सुन मुख अगवानी बैठे भैरवनाथ, प्रेत भूत योनि का पल में कर देती है शांत। मैया के सन्मुख भैरू जी महाराज का स्थान है, तो उनका भी भूत प्रेत योनि के कोई भी किसी में भाव आता है, वहां जाते ही उनका कल्याण हो जाता है। अरे कुआ धर्मशाला छाया, कुआ धर्मशाला छाया, पेड़ा की लूम रही चे डाली, तेरी लीला है निराली, तेरी माया है, तेरी लीला है निराली, मा धनो पसेरा वाली। धनोपतेरा वाली माँ, धनोपतेरा वाली तेरी लीला है, ओ तेरी माया है निराली, माँ धनोपतेरा वाली, तेरी माया है निराली, माँ धनोपतेरा वाली। मंदिर से दक्षिण की तरफ शिव शंकर त्रिपुरारी बना शिवालय, सुंदर दर्शन पाते हैं नरनारी। भैरू जी महाराज का स्थान है, भूत प्रेत योनियों का पल में कल्याण करते हैं। और कुआ धर्मशाला इत्यादि पेड़ों की लूम रही है डाली, सब प्रकार की सुविधा माता के वहां उनके चमत्कार के प्रताप से हुआ है। तो माँ धनो भक्तों पर कृपा करती है, कोई भी भक्त सच्ची आत्मा से कोई कामना करता है तो जिस पर मैया की कृपा होती है तो उसका कार्य सफल होगा, तो मैया 5 फुट ऊपर से पुष्प प्रदान करती है। इसमें बिल्कुल सत्य है, झूठ नहीं है। और मैया की सेवा दादीच ब्राह्मण करते आए हैं, किसी समय पहले मैया की सेवा में किसी प्रकार की चूक हो जाने के कारण मैया ने श्राप दिया कि जाओ, इस नगर में तुम्हारे केवल 20 ही घर रहेंगे, 21 घर नहीं होंगे। तो आज भी उस नगर में 20 ही घर हैं। ये वह दादी ब्राह्मण हैं और ये मैया दधिमती मैया है। सो दधीची ऋषि ने अपने हड्डियों का दान दिया था। दधिमती मैया का स्थान तो जिला नागौर में गोठ मांगलोद गांव में है और यह उसी मैया का अवतार है। तो भक्तों पर कृपा करने यहां पृथ्वी से प्रकट हुई है, राजा दुंद की कुलदेवी है। बोल दधिमती मैया की, बोल धनोप मैया की। तो मैया ने नवरात्र में हर साल मेला अटूट भरता है, लाखों नरनारी दर्शन के लिए आते हैं। चैत बुदिया सोज बुदी को मेला लगता भारी, दूर दूर से जात जडूला लाते हैं नरनारी। अरे फूल पत्ता सा ध्वजा नारियल रुपया मोर चढ़ावे, ओ फूल पत्ता सा ध्वजा नारियल रुपया मोर चढ़ावे, दर्शन करके प्रसन्न होवे प्रेम प्रसादी पावे, दर्शन करके प्रसन्न होवे प्रेम प्रसादी पावे। दर्शन करके प्रसन्न होवे प्रेम प्रसादी पावे, दर्शन करके प्रसन्न होवे प्रेम प्रसादी पावे। मनवांछित फल पाती,
मन वंचित फल देती मैया सबके दुविधा टाली तेरी लीला के निराली माधन उपसेरा वाली माया के निराली माधन उपसेरा वाली तेरी माया के निराली माधन उपसेरा वाली धनोपसेरा वाली माँ धनोपसेरा वाली तेरी लीला के निराली तेरी माया के निराली माँ धनोपसेरा वाली तेरी बोल धनोपमैया की तो माता के फूल पत्ता सा ध्वजा नारियल रुपया मोर चढ़ावे दर्शन करके प्रसन्न होवे और प्रेम प्रसादी पावे और मैया मनमांचित फल देती है सबकी दुविधा मिटाती है। है धनोप जगदम्बा थारो कोई न पायो पार है जगदम्बा है धनोप जगदम्बा थारो कोई न पायो पार और बिगड़ी बात बना दे मैया होकर सिंह ब्रह्मा विष्णु महेश शारदा शक्ति तेरी लार और वेद पुराण सब गावे मैया पायो न तेरो पार वेद पुराण सब गावे मैया पायो न तेरो पार ओ धन धन मात धनोप भवानी करो भक्त प्रतिपाली तेरी लीला के निराली धनोप तेरा हे जगदम्बा माई मैं हाथ जोड़ कर करूं प्रार्थना हे जगदम्बा माई अरे भूलिया ज्ञान बता दे मैया जगदम्बा महामाय भूलिया ज्ञान बता दे मैया हे जगदम्बा माई ओ शरण पड़ेगी लज्जा राखो बालक अपना जान लज्जा राखो बालक जान अपनाए और दास कन्हैया लाल भवानी तेरा ही गुण गाय दास कन्हैया लाल भवानी तेरा ही यत गाय ओ शरणागत की नैया मैया शरणागत की नैया के माँ बल कृपा की लगा ली तेरी माया है निराली धनोप सेरा वाली तेरी लीला है निराली धनोप सेरा वाली माँ धनोप सेरा वाली माँ धनोप सेरा वाली तेरी माया है निराली धनोप सेरा वाली तेरी लीला है निराली मैया धनोप सेरा वाली मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करूं हे जगदम्बा माई भूल्या ज्ञाने ओ भूल्या ज्ञाने बता दो मैया होकर सिंह सवार लज्जा राखो ओ शरण पड़े की लज्जा राखो बालक अपनू जान दास कन्हैया लाल भवानी तेरा करे गुणगान ओ शरणागत की नैया माँ बल कृपा की लगा ली तेरी माया है निराली
पसेरा वाली तेरी माया के निराली धनो पसेरा वाली तेरी लीला के निराली धनो पसेरा वाली धनो पसेरा वाली मैया धनो पसेरा वाली तेरी माया के निराली धनो पसेरा वाली तेरी माया के निराली धनो पसेरा वाली।